डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर JP अग्रवाल बेहद गदगद नजर आए। ऐसा क्यों? यह भी उन्होंने यह कहते उजागर कर दिया कि अपने शहर की माटी में डॉक्टर अमित जैन ने वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल खोलकर जो कर दिखाया है वह चाहकर भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। वेलेंटिस ने भारत की सर्वप्रथम सबसे एडवांस्ड रेडियोथेरेपी मशीन साइबर नाइफ S7 लगाकर कैंसर के मरीजों को जीवन का वरदान दे दिया है। इसके द्वारा बिना सर्जरी और बिना साइड इफेक्ट के फेफड़े के कैंसर का इलाज किया जा सकता है। कैंसर प्रभावित अन्य अंगों पर भी यह बेहद असरदायक है। डॉक्टर JP अग्रवाल आज वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल द्वारा होटल हारमोनी में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करने से पूर्व मीडिया से वार्ता कर रहे थे। संगोष्ठी में इस फील्ड के नामी ग्रामी चिकित्सकों ने भाग लिया। FirstBite.TV ने इस मौके पर डॉक्टर JP अग्रवाल से यह वार्ता की। डॉक्टर साहब, आज आप मुंबई से मेरठ आए हैं, क्या कहा? मेरा पहली बार मेरठ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। अमित को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है कि जो पार्टी का आदमी माटी में आया माटी को सजाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी बम्बई जाता है, सपने लेके जाता है, लेकिन वो सपने ऐसे होते हैं कि घर में आके घर की मिट्टी को सुधारे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत मैं नहीं कर पाया अपने लिए, तो वो देख के कि अमित कर पा रहा है मेरे को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। डॉक्टर साहब, हम लोग कैंसर के उपचार की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि कैंसर कारण क्या है? कैंसर विभिन्न कारण से होता है। कैंसर एक जैसे बुखार है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। कैंसर भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है और बहुत अलग अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं। एक सिंपल तंबाकू खाने वजह से भी होता है, कुछ वायरसेस की वजह से भी होता है, कुछ अननोन चीज़ों की वजह से भी है जो हमें आज तक नहीं पता है। इसको हम जेनेटिक बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, कुछ रेडिएशन से भी होता है, कुछ दवाइयों से भी होता है। तो ये कैंसर विभिन्न प्रकार से होता है, बट मेनली आज के दिन यदि बोला जाए तो कुछ तंबाकू, कुछ वायरस, कुछ इम्बैलेंसेस लाइफस्टाइल ऑफ लाइफ, यदि सबको कंबाइन कर दें तो ये मेजर कारण है कैंसर। क्या अब कैंसर जानलेवा नहीं रहा, क्योंकि भ्रांति है कि कैंसर हुआ तो? कैंसर यदि सही स्टेज में पकड़ लिया जाए, उसका इलाज हो, तो लाइफ अच्छे से निकल सकती है और लंबी निकल सकती है। एक चीज़ समझने की चीज़ है, दुनिया में जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपने को अच्छी तरह से रहना है लाइफस्टाइल में। यदि कैंसर है तो जल्दी पकड़ना है, उसको इलाज करना है, वही एक क्योर की दिशा है। और हम काफ़ी हद तक काफ़ी कैंसर को पूरी तरह से सक्षम है कि इलाज कर पाए, नई दवाइयों से, जैसे हम क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया बोलते हैं, पहले उसके लिए बहुत दवाइयां लेनी पड़ती थी, ट्रांसप्लांट होते थे, आजकल एक सिंपल गोली से इलाज हो सकता है। कई तरह की कैंसर है, ब्लड कैंसर भी है, जो सिंपल विटामिन की गोलियों से इलाज होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिसका इलाज अभी तक हम लोग ठीक से नहीं पकड़ पाए। तो बहुत तरह के कैंसर है, लेकिन मकसद ये है जल्दी पकड़ो, जल्दी इलाज करो, अच्छा इलाज करो, जिससे कि इंसान को कम से कम तकलीफ और ज़्यादा से ज़्यादा लंबी उम्र। मेरठ में वेलेंटिस हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये पहली, देश की पहली मशीन लगी है साइबर नाइफ S7,
ये कितनी इफेक्टिव है कैंसर को रोकने में, उसके इलाज में? कैंसर की इलाज के लिए है, ये कैंसर को रोकने के लिए नहीं है। और ऐसी मशीनें पहले भी थी, ये मॉडल जो ज़्यादा प्रिसाइज है, कुछ इसमें एडिशनल फीचर्स हैं ऑटोमेशन के, इसीलिए ये जो हुई है। तो इससे क्या होता है कि इसका प्रिसीजन ऑफ इलाज का काफ़ी सक्षम है। कुछ मिलीमीटर्स के अंदर जो आँख से भी नहीं समझ में आता है, उस तरीके से ये दी जा सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस मॉडल की बात। ज़्यादा इफेक्टिव है बाकी दूसरी मशीनों से? सो इफेक्टिव होनी चाहिए, ये आशा है। टेस्ट एंड ट्रायल्स में यही देखा गया, स्पेशली जो ट्यूमर्स मूव करते हैं उस क्षेत्र में। मेरठ है उसका स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को आप क्या एक मैसेज देना चाहिए? आप हमारे भारत के अभिन्न अंग हैं। बहुत हिस्टोरिक प्लेस है मेरठ भारत के लिए। 1857 मैं उस मॉन्यूमेंट में जाना चाहूँगा, देखना चाहूँगा अपनी आँख से। तो वो एक मन में बचपन में स्कूल में पढ़ाई की थी, ठीक है ना, तो वो अभी तक इम्प्रिंट ख़त्म नहीं हुआ है। तो शायद ये अमित के द्वारा और आपके द्वारा मेरठ आना मेरे भाग्य में लिखा था, वो जगह देखने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा, आज शाम को पता नहीं वो जगह जा पाऊँगा या नहीं, कल सुबह एक बार जरूर इच्छा है उस जगह जाने की। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।